आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है रूपा जी और चर्चा होगी यहाँ पे अब कृषि फसल के वायदा बाजार के बारे में। रूपा जी देख रहे हैं कैसे सिर के दिसंबर वायदा अब और ज्यादा लुढ़कता नजर आ रहा है। जो 6400 पर ट्रेड करता नजर आ रहा था अब वो एकदम से 6200 के लेवल्स पर गिर चुका है। एक लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। रूपा जी पहले खबरें तो ये निकल के सामने आ रही थी कि कैसे की बुआई का रकबा पहले के मुकाबले कम देखने को मिल सकता है और जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी ठीक ठाक है। ऐसे में आपको क्या लगता है कैस्टर में जो गिरावट बनती नजर आ रही है बुआई कम होने के बावजूद भी और फंडामेंटल्स अच्छे होने के बावजूद भी कैस्टर में ये गिरावट क्यों बनती नजर आ रही है? देखिए अभी फिलहाल जो है एक्सपोर्ट डिमांड जो पिकअप होने के चांसेस थे वो थोड़े से अभी ईज ऑफ होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से वापस से बाजार उन्हीं स्तरों पर आ चुका है जहां हम पहले इसको ट्रेड होता हुआ देख रहे थे। और अभी जो लेवल्स हैं वही 6200 और 6400 6500 की रेंज है। जब तक इसके ऊपर या नीचे स्टेबल नहीं होता तब तक इसमें ना तो बहुत ज्यादा मंदी की उम्मीद है और ना ही बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद है। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से हमने पीछे देखा कि 6500 के बाद से मार्केट लगातार प्रेशर ही दिखा रहा है। काफी बार हम देख चुके हैं कि 6500 के ऊपर जाता है लेकिन वहीं से फिसलन बढ़ती हुई दिखाई देती है और फिलहाल वही ट्रेंड अभी भी कायम है, अभी 6200 के आसपास है। अब आप देखेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कुछ एक्सपायरी भी है, इस वजह से भी पोजिशनिंग स्केयर ऑफ हो रही है और इस वजह से भी वायदा में प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में वापस से बाजार जो है 6500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी थोड़ा सा जो भी डिप आती है इस डिप में जो फर्दर स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं पॉजिटिव की, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में 6500 तक वापस मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आज की गिरावट में इसमें बाइंग की जा सकती है जी। ये सर वजह बात करें अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि 2800 का लेवल टूटने के बाद अब बिनौला खल एक बार फिर से 2700 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और अभी भी लाल निशान देखने को मिल रहा है। लगभग 0.5% की गिरावट दिसंबर और जनवरी वायदा में देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है क्या बिनौला खल आने वाले कारोबारी सप्ताह में नरमी के साथ रहेगा या तेजी के साथ? देखिए अभी फिलहाल जो है ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है लेकिन यहाँ से वापस से बाउंस बैक आएगा। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन थोड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और नीचे में भाव जो है 2680 तक लुढ़क सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में वापस 2800 का स्तर देखने को मिल सकता है जी। ये सिर्फ जी बात करें अगर मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, हल्की सी करेक्शन है लेकिन जो लेवल्स हैं वो अभी भी अच्छे हैं, ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी मसालों में यही ट्रेंड फॉलो होता हुआ नजर आएगा और तेजी देखने को मिलती रहेगी? देखिए मसालों में अभी थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान बन चुका है और स्पेशली धनिया मुझे ज्यादा पॉजिटिव लगता है। धनिया एक बार 9000 के ऊपर जा सकता है। वहीं हल्दी भी अप्रैल वायदा में अच्छी तेजी है, वो भी 9000 के स्तरों पर कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है जी। रूपा जी से बात करें अगर ग्वार गम की और ग्वार सीड की तो ग्वार में हमने बीते सत्र में काफी अच्छी तेजी आते हुए देखी थी। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि ग्वार में निचले स्तर से खरीदारी के बाद 6% की ऊपरी सर्किट भी लगते नजर आए। अब भी देख रहे हैं कि 10400 के घर में ग्वार गम है और 5800 के घरों में ग्वार सीड लेकिन करेक्शन देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है क्या ग्वार में यहाँ से फिर से खरीदारी बनेगी या फिर यहाँ से गिरावट हावी होती नजर आएगी? देखिए ग्वार के अंदर अखिलेश अभी जो है यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। अभी देखिए 10000 के ऊपर एक बार निकली है, अगर सस्टेन हो जाती है तो वापस से लंबी तेजी की तरफ फिलहाल ग्वार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आज हल्की करेक्शन बन सकती है क्योंकि कल हमने एक अच्छी खासी रैली आते हुए देखी थी तो उसके चलते आज थोड़ा सा दबाव में आ सकता है लेकिन अगर 10000 का लेवल टूटता है तो आप मान के चलिए नीचे में हमें एक बार 9900 तक लुढ़क सकते हैं, प्राइसेस जो है हम नीचे लुढ़क सकते हैं, वहां पर एक बार स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे सकती है जी। ये सिर्फ जी बात करेंगे सोयाबीन की तो सोयाबीन में हमने 6800 के लेवल के बाद अब देख रहे हैं कि 400 पॉइंट गिर चुका है और 6400 के लेवल्स पर आ चुकी है। आपको क्या लगता है क्या सोयाबीन में ये एक रेंज रहेगी या फिर यहाँ से ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा, तेजी भी देखने को मिलेगी? यहाँ से अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। कल जो करेक्शन आई थी उसके बाद आज वापस से पॉजिटिव है मोमेंटम और एक अपसाइड मोमेंटम में जा सकता है और मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से एक तेजी की तरफ मार्केट जा सकता है और ऊपर में 6600 के स्तर देखने को मिल सकते हैं जी।
रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आज के लिए टॉपिक्स करेंगे आपकी तरफ से हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, जिनमें आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि आज करेक्शन के अंदर आपको सोयाबीन में भी बाइंग किया जा सकता है और वहीं बिनोला खल भी आने वाले दिनों में एक तेजी में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन दबाव बन सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक में पॉजिटिवनेस वापिस से आती हुई दिखाई दे सकती है। जी बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत सारे सवाल ले लेते हैं उनके एक एक करके। योगेश जी जुड़े हुए हैं, कॉटन के बारे में जानना चाह रहे हैं, कॉटन के बारे में बताओ। योगेश जी, कॉटन में तेजी का ही रुझान है, हमने कॉटन के बारे में कल को अपने चैनल पर वीडियो भी अपलोड करी हुई है, जिस पर हमने लेवल्स भी बताए हैं कि आगे क्या लेवल्स रहेंगे, एक्सपर्ट्स की भी एडवाइस है उसमें, उस वीडियो के अंदर, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। कॉटन में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है और एक्सपर्ट यही बता रहे हैं कि कॉटन उस श्रेणी में आ चुकी है, उस कैटेगरी में आ चुकी है जब कॉटन को सफ़ेद सोना के नाम से पहचाना जाए। कॉटन अब धीरे धीरे सफ़ेद सोना बनती नज़र आ रही है, उस कैटेगरी में आ चुकी है और साल 2022 में भी काफ़ी अच्छा मुनाफा देती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्पिनिंग मिलों से, घरेलू स्तरों से जो घरेलू डिमांड है कॉटन की वो भी काफ़ी अच्छी है, इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉटन की डिमांड काफ़ी अच्छी है। हालांकि एक्सपोर्ट में थोड़ा डाउनफॉल रहेगा, माफ करिएगा, हमने कॉटन की एक्सपोर्ट में थोड़ी कमी आते हुए देखी है, वो हमने कोरोना की वजह से देखी है। अब कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, एक तो वो, और दूसरा अब कई देशों ने, विदेशों में भी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थितियों की वजह से और कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से वर्क फ्रॉम होम वाला जो रूटीन है वो फॉलो होता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट व्यापार है उसमें थोड़ा असर देखने को मिला है। हालांकि ओवरऑल जो सब कुछ रहेगा, डिमांड फैक्टर से लेके प्राइसेस तक तेजी है, लेकिन अभी एक्सपोर्ट में थोड़ी कमी रहने के चलते जो ओमिक्रॉन है की वजह से देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है कॉटन की कीमतों में। लेकिन ओवरऑल रुझान तेजी का ही है, 2022 में कॉटन काफ़ी अच्छा मुनाफा देती हुई आप सबको नज़र आ सकती है। सफ़ेद सोना के नाम से 2022 में जानी जाएगी कॉटन। कमल धाकड़ जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल धनिए को लेकर आ रहा है, धनिए को अभी रोक के चलें या बेच दें। कमल धाकड़ जी, हमारे जो एक्सपर्ट हैं मार्केट के, जो एक्सपर्ट हमारे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, उनके मुताबिक धनिया साल 2022 में काफ़ी अच्छा मुनाफा देता हुआ नज़र आ सकता है। उनके मुताबिक धनिया साल 2022 में 12,000 तक जाता नज़र आ सकता है। अभी हाल फिलहाल में ओमिक्रॉन की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि कीमतें थोड़ी नरम होती नज़र आई थी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको ये जो ऊपरी स्तर मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से थोड़ा थोड़ा माल निकालते भी रहें, पूरा माल रोक के भी ना चलें कि सारा का सारा माल रोक कर ही होल्ड ही कर लिया है, थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट भी करते रहें। सवाल ले लेते हैं यहाँ से अपने दर्शकों के। दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विशाल गुप्ता जी, जिनका सवाल काली मिर्च को लेकर आ रहा है। विशाल गुप्ता जी, काली मिर्च में तेजी का ही रुझान रहेगा अभी। नरेश तक्षक जी हैं, जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, सरसों का बताइए। नरेश जी, सरसों की जो प्राइसेस है हम देख रहे हैं कि MSP से पहले से ही काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर आपको ऊपरी स्तर मिलता है तो आप वहाँ पर माल निकाल सकते हैं, क्योंकि इस बार की जो आवकें रहेंगी बम्पर आवकें रहेंगी, और कोई गारंटी नहीं है कि ये जो वाला जो अब प्राइसेस जो मिले हैं, जो अब भाव मिले हैं 9-10 हज़ार रुपये क्विंटल किसानों को, वो आगे भी मिलते नज़र आए, क्योंकि आगे आवकें बम्पर रहेंगी, क्योंकि बुआई का जो रकबा है इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता नज़र आया सरसों का। तो आप अपने रिस्क पर चाहें तो होल्ड कर लें, कुछ भी करें, लेकिन अगर आपको ऊपरी स्तर मिलता है, आपको लगता है कि आपकी सरसों की लागत निकल रही है, तो वहाँ पर लिक्विडेट ज़रूर करें। लोकेश राजपूत जी हैं, जिनका सवाल गेहूं को लेकर आ रहा है, गेहूं का मार्केट कैसा रहेगा। लोकेश राजपूत जी, गेहूं का उत्पादन भारत में हर बार रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिला है। अगर आप पिछले कुछ सालों के आंकड़े उठा के देखेंगे उत्पादन के, तो भारत साल दर साल हर बार गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है, और इस बार गेहूं का जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर लॉकडाउन वाली परिस्थिति नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, एक्सपोर्ट डिमांड आती रही, तो जो गेहूं का जो एक्सपोर्ट है वो 7 साल के ऊपरी स्तर पर जाता नज़र आ सकता है। तो गेहूं की कीमतों में हो सकता है कि इस फैक्टर की वजह से कुछ तेज़ी बनती नज़र आ जाए, लेकिन अगर एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ तो फिर वहाँ पे जो नॉर्मल प्राइसेस मिलते हैं वीट के, गेहूं के, वही मंडियों में देखने को मिलते रहेंगे।
सूर्यकांत जी हैं, सोयाबीन के बारे में जानना चाह रहे हैं, सोयाबीन के भाव जनवरी फरवरी वायदा क्या रहेंगे। सूर्यकांत जी, अभी तो हाल फिलहाल में सोयाबीन में हल्की सी करेक्शन है, मुनाफा वसूली देखने को मिली है वायदा बाजारों के अंदर, लेकिन एक्सपर्ट्स तेजी ही बता रहे हैं कि इसमें 6800 से 7000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन देखने को तभी मिलेंगे जब सोयाबीन 6800 तक जाएगी और वहाँ पर सस्टेन होगी वायदा के अंदर। और दूसरा, अब ये भी खबर निकल के आ गई है इसी बीच कि साउथ अमेरिका के अंदर सोयाबीन की जो फसलें हैं ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं, जो कि ग्लोबल सप्लाईज को थोड़ा सपोर्ट करती नज़र आ सकती हैं। तो हो सकता है कि अगर विदेशों में सप्लाईज बढ़ती हैं सोयाबीन की साउथ अमेरिका से, तो हो सकता है कि भारत के अंदर भी कुछ नरमी बनती नज़र आ जाए, क्योंकि जो भारत है तिलहन के लिए विदेशों पर निर्भर रहता है, आयात करता है 60 से 70%। तो अगर विदेशों में कुछ ट्रेंड नेगेटिव या पॉजिटिव होता है तो उसका भी जो असर है भारत में भी कीमतों पर ज़रूर पड़ता नज़र आता है। और तो अगर सोयाबीन में ऐसा कुछ ट्रेंड फॉलो होता हुआ नज़र आया विदेशों के अंदर, तो हो सकता है कि भारत में भी सोयाबीन में कुछ नरमी बनती नज़र आ जाए। सुनील जी जुड़े हुए हैं, मक्के के बारे में जानना चाह रहे हैं, मक्के का विश्लेषण करें। सुनील जी, मक्के में हमने देखा है कि मक्का साल 2020 में भी किसानों के लिए काफ़ी ख़राब रहा था, साल 2021 में भी, मौजूदा वर्ष में भी, इस साल भी मक्के का कोई ज़्यादा खास तेजी मंदी देखने को नहीं मिली है, लेकिन अमेरिका के अंदर गेहूं और मक्के की कीमतों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पर सोयाबीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत में भी सोयाबीन की कीमतों में काफ़ी उछाल है, किसान अपना माल रोक कर चल रहे हैं, सोयाबीन का काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर लिया है। तो पोल्ट्री अगर सोयाबीन की जगह मक्के का इस्तेमाल करती है, मक्के को विकल्प के तौर पर चुनती है, तो हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्रियल डिमांड उठती नज़र आ जाए, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं उठी तो मक्के का बाज़ार एज इट इज़ रहेगा, जैसे अभी देखने को मिल रहा है नरमी वाला। DPK जी हैं, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है, सोयाबीन रोकें या बेचें? सर, ये आपका फैसला है, सोयाबीन को रोकना है या बेचना। आपको अगर अच्छा दाम मिल रहा है आप बेच सकते हैं, आपको दाम नहीं मिल रहा आप होल्ड करके चल सकते हैं। अभी ओवरऑल वायदा में, एक वायदा की बात करूं तो वायदा में थोड़ा उठापटक देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 6800 से 7000 तक भी जाती नज़र आ सकती है। इसी बीच खबरें हैं कि साउथ अमेरिका में सोयाबीन की जो सप्लाईज हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ठीक ठाक रहेगा वहाँ पे, फसलें ठीक ठाक हैं। तो अगर ग्लोबल सप्लाईज में थोड़ी मदद मिलती है, थोड़ी बढ़ोतरी होती है, तो उसका असर भारत में कुछ हल्की गिरावट के तौर पर देखने को मिल सकता है। सुरेश चौधरी जी हैं, जिनका सवाल कैस्टर को लेकर आ रहा है, कैस्टर 6800 कब तक होगा? सुरेश चौधरी जी, कैस्टर 6800 अभी नहीं देखने को मिलेगा आपको, कैस्टर में ऐसी रेंज बाउंड देखने को मिलता रहेगा। हालांकि अभी कैस्टर में 6250 का जो लेवल है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो अभी देखने को मिल रहा है। अगर आने वाले कार्रवाई सप्ताह में यहाँ से कुछ खरीदारी बनती है तो हम 6500 का लेवल एक बार फिर से आते देखेंगे, लेकिन 6800 का लेवल अभी काफ़ी दूर है और कुछ कहानी जा सकते हैं कि 6800 दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, क्योंकि लॉकडाउन वाली परिस्थितियाँ विदेशों के अंदर है। पहले हमने देखा था कि चाइना की तरफ से कैसे की अच्छी डिमांड थी और सप्लाई भी हुआ था, जो चाइना था भारत का कैस्टर सीड काफ़ी बड़े पैमाने पर एग्रेसिवली स्टॉक करके रख रहा था, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से जो बिजनेस रिलेशन्स है भारत के और चाइना के, कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिले हैं। और दूसरा, अब नया वेरिएंट भी आ गया है कोरोना का, घरेलू डिमांड भी इतनी देखने को नहीं मिल रही है, थोड़ी बहुत है, पिकअप हुई थी बीच में, लेकिन इतनी नहीं है कि ज़्यादा कीमतें देखने को मिले। और जो बुआई का रकबा है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हुई है, हालांकि पहले के मुकाबले कम ही रहेगा, लेकिन जितना अनुमान लगाया गया था उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से कैस्टर में अभी जो रुझान है ये एक सीमित दायरे वाला, या फिर कह सकते हैं एक नरमी वाला देखने को मिलता रहेगा। पलन जी हैं, बिनौला खल के बारे में जानना चाह रहे हैं, बिनौला खल में क्या होगा अब? आप बिनौला खल में तेजी का ही रुझान है, कीमतें सस्टेन होने की बात है बस। और जो केडी एडवाइजरी के डायरेक्टर हैं अजय केडिया जी, उनके मुताबिक वायदा बाजार में बिनौला खल मार्च 2022 तक 3800 से 4000 तक के भी लेवल्स दिखाने की ताकत रखता है। तो अगर आप इतनी लंबी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप उनके लेवल्स पर बना सकते हैं, आपकी मर्जी होगी, आपका डिसीजन है। के मेहता जी हैं, चने के बारे में जानना चाह रहे हैं, चने में क्या करें? के मेहता जी, चने में नरमी वाला रुझान देखने को मिलता रहेगा। हालांकि चने कारोबारी को इस बार कुछ उम्मीद थी कि जो सरकार ने पहले दालों पर स्टॉक लिमिट लगा दी है और जो आयात हो रखा है
उसकी वजह से जो गिरावट आई है चने की कीमतों में उसकी भरपाई दिवाली के वक्त हो जाएगी, लेकिन दिवाली के दौरान भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। दिवाली के दौरान भी जो डिमांड है वो भी मरी मरी सी रही थी, काफ़ी कम देखने को मिलती रही थी, और अभी भी देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल रही है, MSP से नीचे ही चल रही हैं। कुछ जगह पे MSP के थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा देखने को नहीं मिली हैं। आशीष केसरवानी जी हैं, एडिबल ऑयल्स का फ्यूचर क्या रहेगा? आशीष केसरवानी जी, रिफाइंड सोया तेल में हम देख रहे हैं कि सीमित दायरा देखने को मिल रहा है वायदा के अंदर। जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं 1240 का टारगेट लेकर चल रहे हैं अभी। हालांकि शादी सीजन के चलते मांग पिकअप जरूर हुई है, डिमांड पिकअप जरूर हुई है, लेकिन वायदा में देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा खास तेजी नहीं बनी है। वहीं CPO में भी कुछ डिमांड कम हुई है, क्योंकि सर्दियों में जो CPO तेल होता है वो जम जाता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड कम हो जाती है। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल मार्केट एम CV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मार्केट एम CV पर।